इधर देखिए, इधर इधर छोटू, इधर डालना बच्ची पीछे आप इधर छोड़ दो, आप इधर आ जाइए, पकड़ो ठीक है। चलिए स्टार्ट, राष्ट्रपति मंदन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राष्ट्रपति मंदन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीसीएल तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीसीएल तेरी मनमानी नहीं आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग विगत कई महीनों से बीसीएल को कहते आए हैं कि पेड़ नहीं कटने देंगे, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। पेड़ कट जाएगा इतना अधिक प्रदूषण होगा कि हमारा जीना दुभर हो जाएगा। अरे हमारे लिए पूरे पूरे धनबाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, हमारा साथ पूरे धनबाद देना चाहिए। आज बीसीएल की मंशा है कि अगर पेड़ों को काटे तो हम पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने उठाना है कि पेड़ों को बचाना है। इस उद्देश्य के साथ हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर बीसीएल फिर भी ना मानी तो हम चिपको आंदोलन चलाएंगे, हम पेड़ से चिपक जाएंगे, पेड़ को नहीं छोड़ेंगे। बीसीएल चाहे तो हमें भी काट सकती है, हमारे लोगों को काट सकती है, लेकिन हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। यहाँ लगभग हज़ारों की संख्या में पेड़ है, मेरे ख्याल से कम से कम कितना भी कम तो 70,000 के आसपास पेड़ होंगे। कितने का काटने का बीसीएल का परमिशन है? जहाँ तक हम लोगों को पता चला है बीसीएल को काटने का परमिशन 315 या 16 पेड़ों का है, और शिफ्टिंग के लिए 350 पेड़ है। अच्छा। और लगाने का है बीसीएल को नया पेड़ लगाने का 17,000 कुछ पेड़ लगाने का है। और यही देखना बीसीएल क्या करती है, किस तरह धोखाधड़ी करती है। पूर्व में भी कई बार ये पेड़ों को काट चुकी है।
आप जाके देख सकते हैं कैंप के उस तरफ में सारा पेड़ वो काट चुकी है, जितना उसको परमिशन मिला है उससे ज्यादा पेड़ काट चुकी है। तो आज लोग बोलते हैं दिल्ली एक नंबर पे, लेकिन दिल्ली से ज्यादा भयावह स्थिति धनबाद की है। क्यों? क्योंकि यहाँ ओपन कट बहुत ज्यादा, और आप देख सकते हैं आसपास सारे पेड़ों को काटा जा चुका है। अब एक हरा भरा क्षेत्र बचा है जो आंखों को भी हमें ठंडक देता है और जीवन को भी ऑक्सीजन देता है। कोरोना काल में मैंने देखा कि पेड़ों की क्या अहमियत है, फिर भी लोग नहीं चेत रहे हैं, और प्रदूषण लेवल इतना बढ़ा हुआ है, फिर भी बीसीएल और प्रशासन पेड़ों को काटने पर तुला हुआ है। अगर पेड़ कट गए तो जीना दुभर हो जाएगा सबका, केवल 13 नंबर वासियों, 17 वासियों का नहीं, पूरा पुटकी का, पूरा धनबाद का। इसलिए पेड़ों को बचाना हम सबका नैतिक दायित्व है। देखिए, पेड़ कटिंग का जो परमिशन मिला है, यहाँ माइंस चलाना है, हम लोग परमिशन ले चुके हैं। कितने पेड़ का परमिशन है? लगभग जो है सो 1700 पेड़, 1705 का है, और 300 पेड़ लगभग जो है सो ट्रांसप्लांट करना है। कितना पेड़ है यहाँ? पेड़ उतना ही होगा जो उन लोग का इंस्पेक्शन से जो पेड़ पता चला उतना ही होगा, तभी तो वो लोग उतना ही दिया जितना हम लोग एरिया बताए। क्या यहाँ DFO आए थे, रेंजर साहब आए थे। लोगों का विरोध है क्या इस पर, कैसे क्या पेड़ कटाई हो पाएगी? विरोध है तो वार्ता की जाएगी, वार्ता की जाएगी। सर ऐसा नहीं, बाकी सब कितने एरिया में काटने का ये सर? हम लोग का एरिया में है 25 हेक्टेयर का जमीन है, 25 हेक्टेयर उसी बाउंड्री के अंदर कहीं काटना, बाकी पेड़ से नहीं मतलब। रोड से हम लोग 100 मीटर छोड़ना भी है, 100 मीटर छोड़ के जो पेड़ आएगा उसी का पातन का परमिशन दिया गया। वो आंदोलन है, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पेड़ कटने नहीं देंगे, और सरकार से यही कहेंगे कि जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएं, नहीं तो मरने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस कटेगा पेड़, कटने तो नहीं देंगे, इससे पेड़ से हम लोग चिपके रहेंगे, कटने नहीं देंगे। ये सुने थे कि आ रहे हैं पेड़ काटने के लिए, और हम यही चाहते हैं कि प्रवक्ता जो वन विभाग के मालिक है, हम उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं कि पेड़ क्यों कट रहा है, किस वजह से काटे जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रदूषण बढ़ेगी, हम लोग का आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। आशिबू सोरेन जी बोले थे कि एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली देंगे, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? 23 जुलाई 2022 को शिबू सोरेन जी के रांची में हम लोग बैठक थे, गए थे, बोला हर जगह एक पेड़ लगाइए, 20,000 पेड़, 5 यूनिट आपको फ्री बिजली मिलेगी, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि जो वन विभाग के मालिक है वो आए और हम लोग से वार्तालाप करें।